एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्या सिंह। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल एंड अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यार, टुडे इज डे 2 ऑफ दिवाली स्पेशल सीरीज। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY फेशियल फॉर सच ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस स्किन, क्योंकि यार इट्स दिवाली एंड एवरीवन वांट्स कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मेकअप बट एक इनर ब्यूटी दिखे, नेचुरल ब्यूटी और निखर के आए। तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं एक प्रॉपर DIY फेशियल दिखाने वाली हूँ जो कि 4-5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी एंड आप इसे इजीली कर सकते हो अपने घर पे। हाँ जी, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स दिखाए ना आपको अपने घर पे बहुत ही इजीली मिलने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद लिया एंड दिखा दिया वीडियो में जो आप लोग के घर में हुई ना, फिर आप लोग मेरे को परेशान होकर कमेंट्स करने लग जाए कि ये तो फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो हुई। तो यार, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 इज क्लेंजिंग। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बोल में 3 टेबलस्पून मिल्क लेना है एंड 1/2 टेबलस्पून चारकोल पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। इफ़ यू डोंट हैव चारकोल पाउडर, आप टर्मरिक पाउडर भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेना है एंड मिल्क में डिप करके अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। जैसे कि आप जानते हो कि फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग इसलिए फर्स्ट स्टेप माना जाता है क्योंकि इस स्टेप में आपके जितने भी एक्सेसिव ऑयल, पोल्यूशन, डर्ट होते हैं वो क्लेंजिंग मेथड के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। एंड मिल्क एक बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लेंजर माना जाता है। मिल्क आपकी स्किन से जितना भी डर्ट, डेड स्किन सेल्स होती हैं उसे रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी रखता है एट द सेम टाइम। क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है ऐसा क्लेंजर लगाना है सो दैट कि आपकी स्किन भी ड्राई आउट नहीं हो। यहाँ पर मैंने चारकोल पाउडर ऐड किया था। चारकोल पाउडर आपके पोर्स को अनक्लॉक करता है एंड उसे डीपली क्लेंज करके आपकी स्किन को स्मूथ, सपल एंड इवन टोन बनाता है। देन अपने फेस को वॉश कर लीजिए विथ प्लेन वाटर एंड आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे आपका फेस काफ़ी क्लीन हो गया है। सेकेंड स्टेप इज स्टीमिंग। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, एक बोल में गर्म पानी कर लीजिए, उसके अंदर हैंड टॉवल को डिप करके एक्सेसिव वाटर को रिमूव कर दीजिए एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड टॉवल आपको अपने फेस पे स्टीमिंग लेनी है फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। तो स्टीमिंग लेने से क्या होता है कि आपके पोर्स जितने भी होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड कोई भी एक्स्ट्रा डर्ट होता है वो सॉफ्टन हो जाता है, लूजन हो जाता है सो दैट कि आप जब स्क्रब करो तो काफ़ी ईजली आपकी स्किन से जितने भी डर्ट हैं वो रिमूव हो सके। थर्ड स्टेप इज स्क्रबिंग। इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर लेना है, 1/2 टेबलस्पून रोज़ पेटल्स पाउडर लेना है, इसकी जगह आप फ्रेश रोज़ पेटल्स भी ले सकते हो, 1/2 टेबलस्पून आलमंड्स पाउडर लेना है, बादाम को पीस लीजिए घर पे इजली एंड लास्ट में मिल्क ऐड करके आपको इसे पेस्ट बना लेना है। देन इस पैक को आपको इवनली अपने पूरे वेट फेस पे अप्लाई करना है एंड मेक श्योर करना है कि आप अपने पूरे नेक एरिया पे भी वो सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करें जो इस पूरे फेशियल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि नेक एरिया भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना आपका फेस होता है। देन इसको अप्लाई करने के बाद आपको सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। इस स्क्रब में मैंने आलमंड पाउडर ऐड किया था। आप घर पे ईजली ग्राइंडर में बादाम को पीस के आलमंड पाउडर प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि विंटर सीजन में हमारी स्किन डल, ड्राई एंड फ्लेकी लगने लगती है, तो आलमंड पाउडर एक बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है एंड आपकी स्किन से जितने भी डेड स्किन सेल्स, डर्ट, इम्प्यूरिटीज़ होती है उसे स्क्रब आउट कर देता है। राइस फ्लावर आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, स्क्रबिंग अच्छा से करता है एंड रोज़ पाउडर आपकी स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसे अच्छे से स्क्रब करने के बाद 2 मिनट बाद आपको अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है एंड आप देख पाओगे आपके जितने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो बहुत ही थॉरली आपके फेस से रिमूव हो गए हैं एंड आपकी स्किन बहुत इवन टोन लगेगी। स्टेप 4 इज फेशियल मसाज। तो सबसे पहले आपको एक बोल में कर्ड लेना है, उसके अंदर पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक ऐड करना है एंड लास्ट में 1 फुल टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक थिक कंसिस्टेंसी प्रिपेयर करनी है सो दैट कि ये एक एज अ
मसाजिंग क्रीम यूज़ कर सकें। देन इस मसाजिंग क्रीम को इवनली आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एंड यार थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप इस स्टेप को बाथरूम में जाके फॉलो कर लो, या फिर तो जब फॉलो कर रहे हो तो आगे एक सामने टॉवल रख लो, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा मैसी हो सकता है, तो टॉप पे भी ना लगे तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 10 मिनट तक अपने पूरे फेस को मसाज करना है इन सर्कुलर मोशन। वैसे तो मैंने वीडियो में 2 मिनट का ही दिखाया है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं कर सकती थी, बट आपको 10 मिनट प्रॉपर मसाज देना है। आप एक फेशियल मसाज की वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखी थी पहले। अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना है, सो दैट कि आपकी स्किन में एक ग्लो आए। देखो यार, फेशियल का जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप फेशियल मसाज माना जाता है, क्योंकि फेशियल मसाज से आपके जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होते हैं। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, या फिर नहीं भी है, तब भी आपको फेशियल मसाज करना चाहिए, सो दैट कि आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम बाद आएगी। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, आपका फेस एक पिंकी ग्लोई इफ़ेक्ट लेके आएगा। मैंने यहाँ पे कर्ड यूज़ कर रखा है, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके आपकी स्किन को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, सपल बनाता है। अगर आपको कर्ड सूट नहीं करता तो आप मलाई ले सकते हो, या फिर तो एलोवेरा जेल एंड टर्मरिक पाउडर ही ले सकते हो। वाइल्ड टर्मरिक पाउडर आपकी स्किन से जितने भी ब्लेमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसे रिमूव करता है एंड आपकी स्किन टोन को इवन बनाता है। एंड अगर आप डेली फेशियल मसाज करोगे, नॉट डेली लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे, तो आपके फेशियल हेयर भी रिमूव होने के चांसेस होते हैं। तो अच्छे से फेशियल मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से अपने पूरे फेस को वॉश करना है। कोई भी फेस वॉश यूज़ करना नहीं है, बस प्लेन वाटर से। एंड ये वाला स्टेप करने के बाद आप अपने फेस पे एक नेचुरल ग्लो देख पाओगे, जो आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। फिफ्थ स्टेप इज़ ग्लो मास्क। इसके लिए आपको 1/2 टेबल स्पून बेसन लेना है एक बोल में, देन इसमें 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड करना है, पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक पाउडर ऐड करना है, आप नॉर्मल टर्मरिक पाउडर भी ले सकते हो, एंड 1 फुल टेबल स्पून आपको सैंडलवुड पाउडर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देन आपको 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 फुल टेबल स्पून लेमन जूस लेना है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, एंड लास्ट में मिल्क ऐड करके इसे एक पैक में प्रिपेक। देन इस ग्लो मास्क को आपको इवनली अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। मैंने इस पैक में जो मेन इंग्रेडिएंट ऐड किया है, दैट इज़ बेसन। जैसे कि आप जानते हो, बेसन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंग्रेडिएंट माना जाता है DIY चीज़ों में, क्योंकि वो हर एक DIY में डाला जाता है, एंड आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। देन इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड किया है। अब आप काफ़ी लोग सोचेंगे कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर तो विंटर सीजन में यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट मैंने जितने अमाउंट में बताई है, उतने अगर अमाउंट में आपने यूज़ किया तो आपको एक्ने पिंपल्स की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन होगा, पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, एंड मिल्क आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, हाइड्रेट करेगा, एंड एट द सेम टाइम सैंडलवुड पाउडर आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा। इसे वॉश कर लीजिए आफ्टर 10 मिनट्स, एंड आप अपने फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो देखेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेशियल, बट ये पूरा एक एक स्टेप आपकी स्किन को इतना ज़्यादा क्लीन रखने वाला है। जो अच्छा वाला ग्लो है ना, अगर आप उसका वेट करोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपको दिखेगा। एंड इस फेशियल करने के बाद आपको एटलीस्ट 1 दिन तक बिल्कुल भी कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। सो दैट्स फॉर ऑल गाइज, होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, एंड आपको मेरा DIY फेशियल भी बहुत ज़्यादा ईजी एंड हेल्पफुल लगा हो। पक्का से ट्राई करना, एंड अपने रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। ऑल्सो यार, जैसे कि आप जानते हो, पर्पल पे आए दिन सेल चलती रहती है, तो आज सेल चल रही है, buy 2 and pay for 1 ऑन लाइक स्टे क्वर्की लिपस्टिक्स, NYB लिपस्टिक्स एंड पर्पल लिपस्टिक्स पे। तो जल्दी से जाके परचेज करना चाहते हो लिपस्टिक, तो आप परचेज कर सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।